नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। मित्रों, बात करेंगे आज गोमेद रत्न के ऊपर। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ से। मित्रों, मैं बात करूंगा ज्योतिष रत्न के ऊपर, बात करूंगा रत्नों के संसार में क्या खास बात है गोमेद की। गोमेद रत्न दोस्तों क्या रिजल्ट देता है, क्या लाभ देता है, और सबसे पहले कहूंगा जिनके साथ ठगी बार बार होती है, चोरी बार बार होती है, चीटिंग बार बार होती है, अगर आपके साथ भी बार बार धोखा होता है, बार बार चीटिंग होती है, बार बार लोग नुकसान पहुंचाते हैं, आपके पीछे चुगली करते हैं, आपने इतनी इज्जत दी और वही आदमी आपके पीछे सारी जड़ें काट देता है, आपने एक बच्चे की हेल्प की, आपने जीरो से उसको हीरो बना दिया और आज वही आपकी जड़ें काट करके आपको ख़त्म करने पर तुला है, तो मान के चलिए आपकी कुंडली के अंदर राहु देव खराब हैं। राहु हो सकता है आपकी कुंडली में आठवें घर में बैठे हों, बारहवें घर में बैठे हों। राहु जहां पर भी बैठेंगे शरारत तो करेंगे करेंगे। छठे और ग्यारहवें के राहु को छोड़कर के बाकी पूरी कुंडली के अंदर राहु देव डिस्टर्ब करने वाले रहते हैं। पार्टनरशिप को डिस्टर्ब, अगर आपने पार्टनरशिप में बार बार प्रॉब्लम फील करते हैं, बार बार आपको परेशानी आती, तो मान के चलिए राहुदेव। राहुदेव क्या है? एक बेसिकली प्लानर, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, इतना सोचना कि वो चीज़ की गहराई तक चले जाना। जैसे राहुदेव ने क्या प्लानिंग की, अमृत पीते समय उन्होंने देवताओं का रूप बना करके देवताओं की लाइन में बैठ गए और विष्णु जी के हाथ से अमृत पी लिया। ये वही राहुदेव की बात कर रहे हैं जिन्होंने पहले दिन से प्लानिंग की है, चीटिंग की। राहुदेव जिसकी कुंडली में अच्छे हों उसका कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, और जिसकी कुंडली में राहु खराब हो उसको कोई बचा नहीं सकता। राहुदेव को ठीक करने के लिए दोस्तों गोमेद रत्न पहना जाता है। राहुदेव, जैसे कि आपने कहा एग्जाम में मुझे सब कुछ आता है और अचानक लास्ट मोमेंट में सब कुछ फिनिश हो गया, आप एग्जाम देख करके क्वेश्चन पेपर देख करके खुश हो जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, और जैसे लिखने लगते हैं ब्रेन आपका एकदम से जैसे कोई एकदम किसी ने अंदर से बाहर निकाल दिया हो, इसका मतलब राहुदेव आपकी कुंडली में डिस्टर्ब है। राहुदेव के खराब होने के बहुत सारे लक्षण हैं, आपको नाक में उंगली ज़्यादा डालते हैं, दांत की रोग की पीड़ा ज़्यादा रहती है, मुंह से बार बार स्मेल ज़्यादा आती है, बॉडी में पसीने की स्मेल ज़्यादा आती है, मान के चलिए आपकी कुंडली में राहु देव डिस्टर्ब है। घर बहुत गंदा रखते हैं, ऑफिस बहुत गंदा रखते हैं, चाहते हुए भी सफाई नहीं कर पाते, सफाई नहीं हो पाती, किचन में बहुत ज़्यादा स्मेल रहती हो, और अगर आपके खाने में टेस्ट ना आता हो तो मान के चलिए राहु देव डिस्टर्ब कर रहे हैं। राहु देव बहुत जगह रोल प्ले करते हैं दोस्तों, लास्ट मोमेंट में आप रेड जंप कर जाते हैं, रेड बत्ती का आपने अगर उसको आपने डिफॉल्ट कर दिया तो मान के चलिए ये भी आपको राहु देव का दोष है। अनपेशेंस, बिल्कुल छोटी छोटी बात पे अनपेशेंस हो जाना भी राहु देव का आपका कारण है। दोस्तों राहु देव कुंडली में जिसके अच्छे हो जाएंगे वो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, देश की प्लानिंग करते हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु देव जिसके अच्छे होंगे वो दिमाग से बहुत टैलेंटेड, बहुत शातिर और बहुत परफेक्टली काम करने वाला होता है, एक एक चीज़ के बारे में सोच करके आगे बढ़ने वाला होता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राहु देव के गोमेद रत्न, जिसे अंग्रेजी में इंग्लिश भाषा में हेसोनाइट गार्नेट भी कहा जाता है। इसकी जो ग्रेविटी है दोस्तों 4.65 से लेकर के 4.71 के बीच में होनी चाहिए, सबसे बेस्ट जो इसकी जो इसकी ग्रेविटी है। इसके अलावा हार्डनेस भी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी होता है जिसमें स्टोन में कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव, सबसे अच्छा कहाँ का माना जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये गोमेद रत्न है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का गोमेद, एकदम ट्रांसपेरेंट पीस है, देखिए ध्यान से आप, ठीक है, जूम करके दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल एकदम परफेक्ट पीस है, एकदम परफेक्ट। जैसे ये है श्रीलंका का सबसे टॉप का, सिलोन का, श्रीलंका का जो गोमेद है वो नंबर वन पे है दोस्तों। इसके अलावा झारखंड में भी निकलता है, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी जगह पे है, उड़ीसा का भी गोमेद आता है और भी बड़ी सारी जगह का आता है, लेकिन सबसे बढ़िया जो हार्डनेस है, सबसे बढ़िया जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपेरेंसी है, सबसे ज़्यादा जिसकी जिसमें लस्टर सबसे अच्छा है, वो आपका श्रीलंका का गोमेद है दोस्तों। दूसरे भी गोमेद में भी श्रीलंका में भी कई प्रकार के आते हैं जिसमें छोटे छोटे बूंदे होंगी, छोटे छोटे
कण बने होंगे, एक वो भी गुमेद है, एक बंद गुमेद आता है बिल्कुल बंद होगा, एक बिल्कुल काला गुमेद आता है बिल्कुल ही सस्ता आता है 5 रुपया 4 रुपया कैरेट के भाव से, 2 रुपया कैरेट के भाव से, और एक गुमेद दोस्तों जो बहुत अच्छा आएगा 500 रुपये कैरेट से लेकर के 1000 रुपये 2000 रुपये कैरेट तक के भाव में भी मिलता है। दोस्तों अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो बेस्ट गुमेद पहनिएगा, नहीं तो मीडियम गुमेद भी आप पहन सकते हैं। दोस्तों गुमेद रतन जो है वो हमेशा राइट हैंड के अंदर या लेफ्ट हैंड के अंदर आपने मिडिल फिंगर में ही पहना जाता है, मध्यमा उंगली में। गुमेद रतन आपने बुधवार के दिन सायंकाल को 7 बजे के समय में पहनते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और 7:04 पे पहने तो होए कहना ही क्या है, 7 नंबर केतु 4 नंबर राहु देव। तो 7:04 पर यदि गुमेद रतन शुद्ध करके राहु देव के बीज मंत्रों का पाठ करके ओम राम राहुवे नमः ओम राम राहुवे नमः मंत्र का जप करते हुए यदि आप पहनते हैं चांदी की धातु में या पंच धातु में पहनते हैं दोस्तों तो इसका रिजल्ट ही कुछ और होता है। पंच धातु में पहनना ज़्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। बुधवार के दिन सायंकाल को 7:04 शुद्ध करके पंचामृत से स्नान करा करके पहनिएगा, इसका रिजल्ट दोस्तों कुछ और मिलेगा। दोस्तों आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे जो 90116 पेंटाफोर जो नंबर आपको शो हो रहा है आप इस पे फ़ोन करके जो फीस का प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से बात कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप मुझे चाहते हैं और आगे मैं नई नई जानकारी आपको दूँ तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। नमो नारायण जी, आज्ञा दीजिए, फिर एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं जल्दी। नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नारायण जी, नारायण जी।